नीलकंठ वर्णी अपनी अनंत कल्याण यात्रा के लगभग प्रथम वर्ष के दौरान अयोध्या से गृह त्याग करके वंशीपुर तक की यात्रा तय करने के बाद वंशीपुर से मुक्तिनाथ की ओर बढ़ चले। सुबह सबसे पहले भगवान की पूजा प्रार्थना करनी चाहिए और उसके बाद ही बाकी सब कामों की शुरुआत करनी चाहिए। सनातन संदेशों की गंगा समान उनकी कल्याण यात्रा में काली गंडकी नदी के किनारे और विश्व की कुछ सबसे गहरी घाटियों से होते हुए 12.5 वर्षीय नीलकंठ वर्णी मुक्तिनाथ आ पहुँचे। आप इतने तपकृष्ट तो हो ही गए हैं, अब और कब तक तपश्चर्या करते रहेंगे? जब तक माता के शरीर के भाग रूप रक्त और मांस इस शरीर से पूर्णतः मिट न जाए तब तक। तो स्वभाव ही ऐसा है, कहीं ना कहीं लगाव हो ही जाता है, तो मेरा मोक्ष कैसे होगा? निराशा से निराकरण नहीं होता, आशा रखिए मोहनदास जी। एक सच्चे गुरु के रूप में सनातन रहस्यों को उजागर करते रहते नीलकंठ वर्णी गोपाल योगी के आश्रम में आ पहुँचे एक शिष्य के रूप में। और आपसे अष्टांग योग की शिक्षा पाने के लिए ही तो मैं यहाँ आया हूँ। अष्टांग योग सिद्ध करने के पश्चात भी मेरी साधना में जो अभाव रह गया हो वह दूर हो जाए, ऐसा मार्गदर्शन मुझे दीजिए प्रभु।